2023 में पितृपक्ष 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष 15 दिन चलते हैं। पितृपक्ष के दौरान मृत आत्माओं के नाम पर ब्राह्मणों को वस्त्र, अन्न, जल और अन्य चीजें दान की जाती है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए अच्छा रहता है। भाद्रपद माह की प्रतिपदा तिथि से पितृपक्ष का आरंभ होता है। इस दौरान घर की महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना आपके पूर्वज आपसे नाराज हो सकते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन बातों का रखें ख्याल। सबसे पहले पितृपक्ष में महिलाओं को शाम के समय दिया जरूर जलाना चाहिए। ध्यान रखें कि पितृपक्ष में रोज एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ करके घर के बाहर रख दे। जो लोग फ्लैट में रहते हैं वे अपने घर की बालकनी में दक्षिण दिशा में करके दिया जला सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि घर परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो। महिलाएं कोशिश करें कि वह अपने परिवार में तालमेल बनाकर रखे। ध्यान रखें मासिक धर्म के दौरान श्राद्ध तर्पण का खाना ना बनाएं। यदि घर में कोई अन्य महिला है तो आप उनसे बनवा सकते हैं, या फिर घर का लड़का भी खाना बना सकता है। पितृपक्ष के दौरान शाम के समय घर में झाड़ू या अन्य साफ सफाई ना करें। पितृपक्ष में हर दिन जब भी आप खाना बनाएं तो उसमें एक हिस्सा पहले ही निकालकर पितरों के नाम से गाय को जरूर खिला दें। ऐसा आपको हर दिन करना चाहिए। जिस भी दिन पितृपक्ष में श्राद्ध या तर्पण की तिथि हो उस दिन पितरों की पसंद का खाना ही बनाएं। शास्त्रों के अनुसार बड़े पुत्र और सबसे छोटे पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार है, और इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में किसी भी पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने से पहले नहाना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए।